सागर जिले के रहली के रहली जबलपुर मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र टिकी टोरिया में 200 मीटर लंबा रोपवे का निर्माण किया जाएगा। यह रूप में बुंदेलखंड का पहला रोपवे होगा, जो रोपवे को अत्याधुनिक तकनीक से बनाया जाएगा और सर्व सुविधा युक्त होगा। रोपवे सर्वे के लिए दिल्ली से टीम पहुंची, जहां पर मंत्री भार्गव ने दिशा निर्देश दिए तथा रोपवे को जल्द से जल्द लगाकर पूर्ण करने की बात कही है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने रोपवे को बड़ी उपलब्धि बताया, साथ ही टिकी टोरिया आने वाले समय में प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। रोपवे लग जाने से वृद्ध, बीमार, अपाहिज व्यक्ति रोपवे की मदद से आसानी से ऊपर जा सकेगा और दर्शन कर सकेगा। NHLML दिल्ली के CEO प्रकाश गौर ने संबोधित करते हुए कहा, रोपवे का निर्माण अगले एक साल में किया जाएगा। कुछ उपलब्धियों के लिए, ताकि आपके जाने के बाद 150 साल तक लोग याद करते रहे, आपको याद करते रहे, इसलिए याददाश्त में कल भी कहा था किसी से, देखो इतनी कमजोर होती लोगों की कि मध्य प्रदेश में या देश में कितने चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मध्य प्रदेश में देश में कितने गवर्नर और प्रेसिडेंट हो, राज्यपाल राष्ट्रपति हो, शायद यदि किसी से पूछो तो 100 में से 90 लोग नहीं बता पाते। तो ऐसा काम कुछ कर जाए कि जिसमें लोग याद रखें हमेशा कि भैया के समय का ही बना हुआ है, तो चाहे वो पुल हो, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे वो रोपवे हो, चाहे कुछ भी हो, तो देवी जी के चरणों में समर्पित है। उनका छोटा सा आयुष्मान का सेवक हूँ। विषय यह है कि उस समय पहले विचार आया था, मन में था, लेकिन बहुत बड़ा खर्च था, क्रियान्वित नहीं हो पा रहा था। भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी हैं, बहुत ही कल्पनाशील व्यक्तित्व के, बहुत ही इनोवेशन और नए आइडियाज उनके दिमाग में आते हैं, और उन्होंने फ्लाईओवर, सड़कें, इनके बारे में तो काफ़ी काम किया, लेकिन नहीं, उनका विवेक में, उनके ज्ञान में ये बात आई कि हमें ऐसे स्थान जो पहाड़ियों पर हैं, लोग जाना चाहते हैं लेकिन वृद्ध हैं, बीमार हैं, अशक्त हैं, नहीं चढ़ सकते सीढ़ियाँ, कहीं 200 सीढ़ियाँ, कहीं 400, कहीं 500 सीढ़ियाँ, ऐसे स्थानों के लिए हमें रूप भी बनाना चाहिए। उसी की परिणति है कि हमारे रहली में भी बुंदेलखंड का पहला रूप है, जो टिकी टोरिया देवी जी का हमारा मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है बुंदेलखंड का, हमारे मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में रोपवे की स्वीकृति उन्होंने प्रदान की, और रोपवे का पहले तो उसका सर्वे हो ही चुका था, लेकिन आज हमारे NHAI के वरिष्ठ अधिकारी गौर जी हमारे बीच में हैं, और भी हमारे अधिकारी आए हैं वहाँ से, दिल्ली से, और दिल्ली से आके उन्होंने आज स्थान देखा है, और उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी हम इसका फाउंडेशन स्टोन रखने का काम भी आप सब कर लेना, और इसको हम जल्दी से जल्दी इसको निर्माण करवा देंगे। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी सौगात होगी, जहाँ इससे रहली के विकास में 4 चांद लगेंगे, और ये बहुत बड़ा और बड़ा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ये प्रदेश का बनने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि अगले साल तक जब शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी आएंगे, तीर्थयात्री भी आएंगे, पिकनिक पर्यटन वाले भी आएंगे, साल के पहले दिन जो आते हैं और भी, हमें दिखता नहीं आजकल साल के पहले दिन हजारों लाखों की लोग संख्या होती है पर्यटन वालों की, वो लोग भी आएंगे, तो जहाँ रोजगार के साधन बनेंगे, व्यवसाय मिलेगा लोगों के लिए, काम धंधे, अभी यहाँ हाट बाजार बनवाया था वहाँ भी काम चल रहा है, अब दूसरा हाट बाजार ही बनाने की अभी चर्चा हुई है, उसको वो जो जल्दी क्रियान्वित हो जाए। तो कुल मिला के हम अपने विधानसभा क्षेत्र के धार्मिक स्थानों के लिए इतना जागृत और इतना व्यवस्थित और इतना ज़्यादा विकसित करना चाहते हैं कि कहीं के भी लोग वो देखने के लिए एक बार हमारे रैली क्षेत्र में जरूर। रैली से रोहित अहिरवार की रिपोर्ट।